सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीताराम 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 राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम पतित जनों को करो पुनीता पतित जनों करो पुनीता हे राम सीता हे राम सीता हे राम सीता हे राम सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता शरण शरण दया के धाम शरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा आपका राम मुझे भरोसा आपका राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 करुणा करे अपना नो राम करुणा करे अपना नो राम अपना दास बना नो राम अपना दास बना नो राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज जब जब हो ये जयना कहानी जब जब हो ये धरा जब जब हो ये धरम के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाय नहीं बर विप्र धैनु सुर धरनी तब तब धरी हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निसर्जन पीरा हरि कृपा सज्जन पीरा असुर मार भापई सुर राखई निज श्रुति से जग विस्तार विसद जस राम जन्म करहे तू जब जब हो कहानी जब जब पाणई असुर अधम अभिमान धरा हो ये धरा परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज का सादर अभिनंदन वंदन। श्री रामचरितमानस के जिस पावन प्रसंग की प्रभु कृपा से कथा हो रही है उस संदर्भ में यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत की गई जिनका आशय है जब जब धर्म का ह्रास होता है अधर्म का उत्थान होता है दुराचारी दुर्जन सज्जनों को पीड़ा पहुंचाते हैं तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर भक्त जनों का दुख दूर करते हैं।
वे राक्षसों को मिटाते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, अर्थात दुर्गुणों को मिटाकर सद्गुणों को जीवन में स्थापित करते हैं। राखें निज श्रुति सेतु, वे अपनी श्रुति सम्मत व्यवस्था को जो जीव के कल्याण के लिए है उसको फिर से व्यवस्थित करते हैं, और उनके इस पावन यश का विस्तार होता है जिसका गायन करके भक्त जन भाव से पार होते हैं। यही भगवान के जन्म का हेतु है, उद्देश्य है। जब जब ऐसा हुआ तब तब भगवान आए, और ऐसा होता ही रहता है। ऐसा नहीं को वैसा हुआ था, जैसा हुआ था वैसा अब नहीं होगा, लेकिन यह बात तय है कि जैसा हुआ था वैसा अगर अब भी होगा तो जैसे भगवान तब आए थे वैसे भगवान अब भी आएंगे। क्योंकि नियम है जब जब होए धर्म कहा संभवामी युगे युगे, भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, क्योंकि यह चलता ही रहता है क्रम। होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कंस कभी होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, आते हैं नारायण, कभी कभी कृष्ण कभी रघुराई, कभी कृष्ण कभी रघुराई, आसत जो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आसत जो मेरे भाई, सुख की आसत जो मेरे और हमेशा ऐसा होता रहता है और होता रहेगा, कभी दिन कभी रात, यह क्रम चलता ही रहता है। दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते, दुनिया दिखती नई है लेकिन खेल पुराने चलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, बस नीति यही चली आई, बस नीति, बस रीति यही चली आई, आसत जो मेरे भाई, सुख की आसत जो मेरे भाई,
जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो सुख की आस तजो। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, मन को मन मोहन का बनाकर राजसमुख से कह ले, श्री राम शरण सुखदाई, श्री राम शरण सुखदाई, आस तजो ये जगत बड़ा झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उलटी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, परीक्षाएं भी होती पराई, परीक्षाएं भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो। देखो भाई, हर युग का सत्य है, अच्छाई बुराई का द्वंद, सुमति कुमति सबके उड़ रहा है, ये अच्छाई और बुराई सबके भीतर है, सुमति कुमति सबके भीतर है, ये देवासुर संग्राम पुरातन तो है पर सनातन है। देवता माने सद्गुण, असुर माने दुर्गुण, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, मानस में कहा सद्गुण ही देवता है और असुर माने दुर्गुण। अज आप विचार करके देखें तो ये सद्गुण और दुर्गुणों का युद्ध तो सदा से होता रहा है, ये द्वंद चलता ही रहता है, अच्छा दिन रात चलता है, चलता ही रहा है। पर एक यह भी विचित्र बात है कि देवता हार जाते थे, राक्षस जीत जाते थे, और यदि हम लोग अपने जीवन को देखें तो जीवन में भी तो यही घटनाएं घट रही हैं, हमारे सद्गुण हमारे ही दुर्गुणों से हार जाते हैं, क्रोध आता है तब बोध का पता नहीं लगता कहां चला गया, हमारा क्रोध हमारे बोध को पराजित कर देता है, हमारा आवेश हमारे संयम को पराजित कर देता है, जीवन का भी तो यही सत्य है। अच्छा इस पर अगर गंभीरता से विचार करें कि क्यों हारते हैं सद्गुण और दुर्गुण क्यों जीत जाते हैं, एक ही कारण है कि सद्गुणों में बड़ी अच्छाई है पर एक कमजोरी है, ये कभी इकट्ठे नहीं रहते, और दुर्गुणों में सब बुराइयां हैं एक अच्छाई है, ये कभी अलग अलग नहीं रहते, इनमें संगठन है, दुर्गुणों में संगठन है और सद्गुणों में संगठन नहीं है। और यह भी सभी के जीवन का अनुभव है कि जो सद्गुणों और दुर्गुणों के संदर्भ में बात कही गई यही सद्गुणी और दुर्गुणियों के संदर्भ में है। आप देखो अपने यहां अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अच्छा बुरे लोग उतने नहीं होते जितनी संख्या अच्छे लोगों की होती है,
बुरे लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं। लेकिन क्या कारण है कि थोड़े से बुरे लोग सबको परेशान करते रहते हैं? उसका कारण यही है कि अच्छे लोग संगठित नहीं है, सद्गुण जिन जिन में वो संगठित नहीं है। आज भी देखो, जो लोग अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं पर मिलकर कहां कर रहे हैं, संगठन नहीं है। आप देखो, चार शराबी आराम से रह जाते हैं, इतने आराम से रहते हैं कि दूसरा न मिले तब तक उनको चैन नहीं मिलती, खोज खोज के। एक आदमी चिलम पीता था, तो वो चिलम पीने लगे तो कई लोग इकट्ठे हो जाएं। तो मैंने उससे कहा कि तुम पीते हो तो, वैसे तो पीना अच्छा नहीं, और पीते हो तो अकेले ही पिया करो, इतनों को काहे को बिगाड़ते हो, ये सब इकट्ठे होते हैं। तो उसने कहा कि महाराज, आप पीते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं, मजा ही नहीं आता इतने लोगों के बिना। उनका संगठन है, चार जुआरियों को, चार शराबियों को, गंजेड़ी भंगेड़ियों को आप इकट्ठा रख सकते हैं, चार को इकट्ठा रख सकते हैं, पर दो विद्वानों को इकट्ठा नहीं रख सकते। और उसका कारण केवल इतना, मैं बहुत बार सोचता रहा कि अगर विद्वान संगठित हो जाएं, साधु संगठित हो जाएं, तो कितना अच्छा, अच्छे लोग सब संगठित हो जाएं, पर होते नहीं। मैं बहुत बार सोचता रहा कि क्यों ऐसा होता है, तो उत्तर मुझे एक ही समझ में आया कि शराबियों को गालियां मिलती हैं, जुआरियों को गालियां मिलती हैं, निंदा होती है, और विद्वानों की, संतों की पूजा होती है। और यह मानवीय दुर्बलता है कि निंदा आदमी मिलकर भोगना चाहता है और प्रशंसा अकेले ही पाना चाहता है। गाली मिले तो सबको मिले और प्रशंसा हो तो केवल हमारी हो, प्रशंसा हो तो केवल हमारी हो। एक गुण आता है दूसरा जाने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे सत्य और शील, सत्य भी गुण है और शील भी गुण है, पर शील है दूसरे के हृदय का ख्याल रखना, भावना को देखना कि इसे बुरा ना लगे, शील है। और सत्य कहता है कि लगे तो लगे, आपने सत्य बोला कि शील गया। और किसी का शील रखोगे तो सत्य गया, ये इकट्ठे ही नहीं रहते। सत्य कहता है शील को रखो तो हमें छोड़ो, और शील कहता है हमें रखना है तो सत्य को छोड़ो, ये इकट्ठे नहीं रहते। सदगुण इकट्ठे नहीं थे। अच्छा, और विकार इकट्ठे रहते हैं। आप देखो, काम विकार है, कामना, चलो कामना, इच्छा विकार है, मन के में उत्पन्न होने वाले एक विकार का नाम काम है, कामना है। कामना उत्पन्न हुई और इसमें विघ्न पड़ा, क्रोध को बुलाना नहीं पड़ा, क्रोध ने नहीं कहा कि तुम ही निपटो, हम काहे को आए, पर क्रोध कहता तुम चिंता मत करो, हम तो साथ ही हैं, तुम्हें छेड़े तो कोई जरा। और कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध आ गया। अच्छा, चलो विघ्न नहीं पड़ा, कामना पूरी हो गई तो लोभ आ गया। कामना पूरी हो जाए तो लोभ, और कामना पूरी ना हो तो क्रोध, कितना संगठन है इसमें। इनमें इतना संगठन है। ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्ते सूपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गणित है ये, एक आएगा तो दूसरा आ ही जाएगा। एक बुराई, एक को बुला लेगा, दूसरा आए बिना रह नहीं सकता। अच्छा, एक अद्भुत बात है,
एक बुराई बुलाओ तो दूसरी बुराई आए बिना रह नहीं सकती, और एक गुणी को बुला लो दूसरा गुणी ठहर नहीं सकता। हो, मैंने कहानी सुनी थी, एक राजा के यहां दो विद्वान गए, बड़े पंडित, बड़े विद्वान। राजा ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया, पर राजा भी व्यवहारिक आदमी था, अनुभवी व्यक्ति था। एक विद्वान स्नान के लिए गए, तब उसने दूसरे विद्वान से, पंडित जी से कहा कि महाराज आप तो बड़े योग्य, बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हैं और समझ में आ रहा है कि आप बहुत योग्य हैं, ये आपके साथ जो है वह भी आपकी तरह विद्वान होंगे। अरे बोले काहे का विद्वान, घोड़ा है वो तो हम उसको साथ लिए घूमते हैं कि एक से दो भले। बड़ा अच्छा, अब वो आकर बैठा, अब ये गए स्नान करने, तो राजा ने, राजनीतिक आदमी, उनसे भी वही पूछा कि आप तो बड़े योग विद्वान प्रतीत हो रहे हैं, ये जो आपके साथ हैं ये भी तो विद्वान होंगे, आपसे थोड़े कम होंगे। अरे बोले कम विद्वान का है बैल है, पर एक से दो भले, इसलिए साथ रहे। राजा बोला ठीक। अब जब दोनों तैयार हो गए, राजा ने कहा चलिए भोजन के लिए। दोनों बड़ी उत्सुकता से गए भोजन के लिए। राजा ने एक के सामने भूसा रख दिया, दूसरे के सामने घास, शुरू करो। तो दोनों बोले कि हम लोगों का अपमान ये क्या। राजा बोला क्षमा करें, परिचय तो आपसे ही मिला है, ये कह रहे थे कि वो घोड़ा है और ये कह रहे थे कि वो बैल है, तो बैल के सामने भूसा, घोड़े के सामने घास, शुरू करो। और ये कहानी संकेत क्या करती है कि अगर प्रतिभावान लोग एक दूसरे की निंदा में पड़े रहेंगे, अच्छे लोग अगर एक दूसरे के विरोध में पड़े रहेंगे, तो समाज से आप क्या आशा करते हैं, भूसा और घास ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। राजा ने कहा कि पहले संगठित तो हो जाओ। और ये एक अद्भुत बात है, राम जी और रावण का झगड़ा बाद में हुआ, राम जी और परशुराम जी का झगड़ा पहले हो गया। अच्छा, दोनों भगवान, राम जी भी भगवान और परशुराम जी भी भगवान, दोनों अवतार। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, दोनों को तुलसीदास जी ने उपमा भी एक ही दी, रघुवर बाल पतंग, पतंग कहते सूर्य को, और परशुराम जी आए तो आयो भृगुकुल कमल पतंगा, दोनों सूर्य और दोनों अवतार, दोनों भगवान और दोनों का विरोध। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बुरे लोग ही समाज के लिए समस्या नहीं है, अच्छे लोग भी समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब। प्रकाश देने वाले दोनों ही हैं, सूर्य, दो सूर्य आ गए, राम जी भी सूर्य, परशुराम जी भी सूर्य। पर झगड़ा किस बात का हुआ? परशुराम जी ने कहा या तो हमसे युद्ध करो नहीं या राम कहलाना छोड़ दो। करी परतोस मोर संग्रामा, ना ही तो छाण कहाऊ रामा, या तो युद्ध करके मुझे संतुष्ट करो नहीं आज से राम कहलाना बंद कर दो। राम जी को मनी मन हंसी आई कि सारा झगड़ा नाम का ही निकला, कि नाम हो तो हमारा ही हो, इनका ना हो जाए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हम अकेले ही हों, दूसरे को तो हम सह नहीं सकते। अच्छा, तो राम जी ने विनोद में ही पर विनम्रता पूर्वक एक बात कही, पर उसमें व्यंग निकल ही आया। राम जी ने कहा कि महाराज हम तो वैसे ही छोटे हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका नाम तो वैसे ही बड़ा है, हमारा तो दो अक्षर का नाम राम और आपका नाम तो परशुराम। तो नाम की अगर बात है तो नाम में तो आप वैसे ही बड़े हैं हमसे। अच्छा, अब इसमें व्यंग क्या था कि राम तो दोनों ही हैं, परशुराम जी का नाम भी राम है, लेकिन उन्होंने फरसा धारण किया तो फरसे को अपने नाम से जोड़ लिया तो हो गए परशुराम। अच्छा, बोलो नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कह सकते थे कि तुम परशुराम तो हम धनुषुराम, धनुष तो हमारे पास भी है।
असल में अपने हाथ में जो आ जाता, अब देखो फरसा भी हाथ में है, तो अपने हाथ में जो है क्या वो अपने हाथ का है? अपने हाथ में दिया गया है पर अपने हाथ का नहीं है। अगर हाथ का होता तो चलता, पर चला नहीं। बहाई ना हाथ, दहाई ऋषि छाती। हाथ चले तब तो फरसा चले। तो जो हाथ में आ गया है उसको अपने नाम से काहे को जोड़ते हैं? फिर इस हाथ में अजा, हाथ में जब आएगा कोई भी पदार्थ तो तभी आएगा जब कोई दे। तो जब भगवान ने दिया है तब तो हाथ में आया है। अच्छा, अद्भुत बात है, भगवान ने दिया तब हाथ में आया, तो जिसने दिया उसका नाम तो भूल गए, और जिसके हाथ में आया उसने अपने नाम से जोड़ लिया उसे। और यही बात होती है। तो आपके हाथ में जो आए उसे अपने नाम से न जोड़ें, आपके हाथ में जो आए उसे भगवान के नाम से जोड़ें, कि हाथ में मेरे है पर भगवान ने दिया है, भगवान का है, मेरा उसमें क्या है। अच्छा, वैसे भी देखो श्वास, इससे ज्यादा तो कोई अपने नजदीक नहीं होगा, और श्वास तो हमसे इतना अभिन्न है कि हम हैं तो श्वास, श्वास है तो हम हैं। लेकिन ये आपकी श्वास आपके लिए है पर आपकी नहीं है, भगवान ने दी है। और भगवान ने एक काम तो इतना किया कि आदमी कहीं इतना न सोचने लगे कि सब मेरा सब मेरा, तो सोचे श्वास भी मेरी। हालांकि कहता है यही है, मैं जब तक मेरी श्वास चल रही है, जब तक मेरी श्वास चल रही है तब तक मेरी श्वास। अच्छा, आप सोचो अगर श्वास अपनी होती तो जब मन होता तब लेते, जब मन होता तब नहीं लेते। कहते आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन, नहीं ले रहे। पर ऐसा कोई कर सकता कि श्वास ना ले? वो लेनी ही पड़ेगी। आप सोचो, नहीं तो कोई कहता भी कि श्वास क्यों नहीं ले रहे हो, कि हमारी श्वास हम ले या ना ले तुम्हें क्या परेशानी। पर भाई इसी तरह जब हमारे जीवन में जो कुछ भी विशेषताएं आए, यह सोच लें कि भगवान की दी हुई हैं, भगवान की हैं, तो मन अभिमान से नहीं भरेगा। और मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लोग, प्रतिभावान लोग, ज्ञानी लोग, गुणी लोग, समाज को कुछ देने वाले लोग अगर भगवान से जुड़ जाएं, तो फिर बुरे लोग इन्हें नहीं मिटा सकते, फिर बुराई अच्छाई को नहीं मिटा सकती। और यही कारण है, अभिमान ही विष है और भगवान अमृत है। और ये कथा बड़ी सुंदर है कि देवासुर संग्राम में भी जब देवता हारते थे राक्षसों से, अच्छा एक और अद्भुत बात, रावण चलता गदा लेकर, आपन चले गदा कर लेने, रावण का जब राज्य हुआ चारों तरफ अधर्म ही अधर्म, जब जब होए धर्म के हानि। रावण ने अपने प्रजाजनों से कहा कि तुम धरती के देवता मिटाओ, ब्राह्मण धरती के देवताओं को तुम मिटाओ और स्वर्ग के देवताओं को मैं देखता हूं, यहां के तुम मिटाओ वहां के हम देखेंगे। ये विद सभी आज्ञा दीनी, आपन चलो गदा कर लीनी, और जहां जाए तो देवता भाग गए, रावण अकेला और देवता इतने पर भाग गए। इसका अर्थ क्या है कि कितने भी गुण आपके जीवन में हों पर इन सब को मिटाने के लिए एक बुराई काफी है। अच्छा, देवताओं से किसी ने पूछा कि तुम तो अमर हो, तुम्हें किस बात का डर है, क्यों भाग रहे हो? जब तुम अमर हो तो रावण तुम्हें मार नहीं सकता, रावण क्या कोई भी नहीं मार सकता, फिर भाग क्यों रहे हो? देवताओं ने कहा इसीलिए तो भाग रहे हैं कि हम अमर हैं। मरने वाले होते तो ज्यादा ये सोचते कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन हम मर सकते नहीं, पता नहीं कब तक पिटेंगे, इसलिए भाग रहे हैं। तो हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं वे भी बड़ी सांकेतिक हैं। समुद्र मंथन हुआ
और समुद्र मंथन करके अमृत निकाला गया, अमृत देवताओं को पिलाया गया, तब देवताओं ने राक्षसों पर विजय पाई। ये कथा है। पर बहुत बढ़िया, सागर का मंथन किया, संसार सागर का मंथन किया, अमृत निकाला और अमृत देवताओं को दिया। तो तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि अमृत क्या है? श्री तुलसीदास जी ने कहा प्रेम अमी है, प्रेम ही अमृत है, और देवताओं को ये अमृत पिलाया गया तो इन्होंने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली। और अमृत है प्रेम, देवता माने जिनमें सदगुण है ऐसे लोग। तो आज जितने प्रतिभावान अच्छे सदगुणी लोग हैं, अगर भगवान की कृपा से ये प्रेम का अमृत पी लें तो समाज में बुराई पर आज भी विजय प्राप्त की जा सकती है, विजय पाई जा सकती है, प्रेम हो जाए, प्रेम का अमृत पी लें, फिर इन्हें कोई नहीं मिटा सकता, प्रेम। अच्छा, सबको प्रेम का उपदेश देते, आपस में प्रेम नहीं, तो पीना तो खुद पड़ेगा प्रेम। और वही हुआ, रावण ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार, परम सभीत धरा अपुलानी सभीत धरा, परम धरा धरा पुनामानी परम सभी अपुनामी परम सभी धरा सभीत धरा सभी। पृथ्वी माता घबरा गई, ये पृथ्वी माता ही तो सबको धारण किए हुए हैं और यही घबराई। श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया कि पृथ्वी माता है, इनका आध्यात्मिक रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुमति भूमि थल, सुमति भूमि। जब जब समाज पर अत्याचार होता है तो सुमति घबराती है, विचारवान लोग दुखी होते हैं, बुद्धिजीवी दुखी होते हैं कि अब क्या समाधान है। जब बुराई इस तरह सफल हो रही हो, अच्छाई पर क्या गांव में गीत न कोई, क्या गांव में गीत न कोई है उदास मन की शहनाई, बजता है संगीत न कोई, क्या गांव में गीत न कोई, आश्वासन सब लगते हैं छूछे, आश्वासन सब लगते हैं छूछे, मेरा मन मुझसे ही पूछे अनाचार पर सदाचार की, क्या होगी अब जीत न कोई, क्या गांव में गीत न कोई। जो दिन हमने सुने हैं, जिन दिनों के बारे में सुना है, क्या वे दिन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बुद्धिजीवी परेशान होता है, लेकिन तब एक ही आसरा है, एक ही सहारा है, वह क्या? पृथ्वी माता ने कहा कि पहले सब विचारवान संगठित हों, गौ रूप धारण किया, पृथ्वी माता ने धेनु रूप धरी, हृदय विचारी। अब बहुत अद्भुत शब्द का प्रयोग किया, पृथ्वी माता ने हृदय में विचार करके, समाज पर जब ऐसा संकट आवे तब विचार, इसलिए नहीं कि हम अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर सकें, विचार पूरी हार्दिकता से होना चाहिए, हृदय विचार,
क्या सचमुच हम चाहते हैं कि ये अनाचार रुके, अत्याचार रुके? एक आदमी गिर गया गड्ढे में, पांव फिसल गया, दुर्बल आदमी था, बाहर निकल नहीं पा रहा था बिना किसी की सहायता के, लोग निकलते जा रहे थे। एक ने कह रहे देखो बेचारा गिर गया, दूसरा क्या बोला देख के नहीं चलते गिरेंगे, तो तीसरा बोला इसे निकल, अरे अपने को इतनी कहां फुर्सत भाई, चलो छुट्टी का दिन होता तो रुक भी जाते, आगे बढ़ गए। दूसरा बोला जैसा करें वैसा भोगे, कोई नहीं निकलना, अपने अपने विचार दे रहे थे। वो बेचारा दीन दुखी गरीब गड्ढे में पड़ा आदमी हरेक की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, क्योंकि इन लोगों के पास बौद्धिकता थी, हार्दिकता नहीं थी। चलो उसने कहा कोई तो हृदयवान आएगा जो हमारी पीड़ा को पीड़ा समझेगा। एक आदमी आया, ओ आप गिर गए बड़े दुख की बात है। वो नीचे उतरा, उसको लगा कि ये हमारा उद्धार करेगा, पर वो जैसे ही पहुंचा गड्ढे में पड़े हुए आदमी ने कहा कि बड़ी कृपा आप हमारे लिए गड्ढे में उतर कर आए, आप हमें बाहर निकालेंगे इसलिए आए, उद्धार करना चाहते हैं, बड़ी कृपा। वो मुस्कुराकर बोला बोले धोखे में मत रहना, फिर तो आप हैं कौन? बोले हम विचारक हैं, प्रवचन देते हैं, व्याख्यान देते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, हमारी बात सुनकर लोग भाग जाते हैं, तो हमें ऐसे ही श्रोता की तलाश थी जो भाग न सके, और भाग्य से तुम मिल गए हो, तुमने गड्ढे में न गिरे होते तो हम विचार किसको सुनाते, फिर हम व्याख्यान किसे देते, तो हमें तो लगता है कि तुम पढ़े ही रहो ताकि हम विचार देते रहें। यह तो वैसी बात हुई कि जैसे डॉक्टर कहे कि तुम रोगी बने ही रहो ताकि हमारा अस्पताल चले, पर कोई हार्दिक भाव वाला डॉक्टर ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम रोगी बने रहो। तो विचार जब हार्दिक हो जाए, इसीलिए मानस में संकेत है धैन रूप धरी हृदय विचारी, और जब किसी को पीड़ा होती है हार्दिकता से तो सबके हाथ जोड़ता है कि भैया सब इकट्ठे हो जाओ, क्या हो रहा है, ये पृथ्वी माता सबके पास गई गौ रूप धारण करके गई। गौ रूप धारण करने का अर्थ असहाय, मैं असहाय, आप सब सहायता करो। सुर मुनि गंधर्वा देवता मुनिजन गंधर्व सब मिलकर, और इसका अर्थ यह है कि जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो जहां अच्छाई पर बुराई की जीत हो रही हो, बोध पर क्रोध विजय पा रहा हो, तब सबको संगठित हो जाना चाहिए। यह रामचरितमानस की कथा का सूत्र है। अच्छा सब इकट्ठे होकर गए कहां? सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे बिरंची के लोका, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे बिरंची के लोका, संग पूतनु धारी भूमि विचारी परम विकल भय शो। परम विकल भय शो अब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती जी के स्वामी हैं, और कितना सुंदर
संकेत है। ऐसी स्थिति में जब अधर्म बढ़ जाए तो सबको मिलजुल कर संगठित होकर जो अपने से वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं उनके पास जाना चाहिए कि आप कोई निदान बताओ। वृद्धों के पास जाओ, जिनके पास अनुभव है उनके पास जाओ। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने यह नहीं कहा कि आना पड़ा यहां, हमारे अलावा कोई समाधान दे नहीं सकता। पर ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर संकेत किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, बुद्धि की बड़ी महिमा है, पर बुद्धि भी असीम नहीं है, ससीम है। शरीर में सिर सबसे ऊपर है, शरीर की दृष्टि से सिर सबसे ऊपर है, पर संसार की दृष्टि से सिर सबसे ऊपर नहीं है। तो सिर सबसे ऊपर है इसको तो माने, पर सिर के ऊपर भी कोई है, अब उसे याद करें, वही एक समाधान है और कोई समाधान नहीं। और सिर पर कौन? सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जान की मैया, पितु रघुवर श्री जान की मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीता, फिकर फिर क्या करना। निराश नहीं होना, चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। भगवान का भरोसा। अच्छा, दिया जलाकर छत पर रख दो, कौन बचाएगा उसे बुझने से। लेकिन खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। हवा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हवा किसी के हाथ में तो है। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इसलिए सिर से ऊपर भगवान। और जब अकल काम न करे, बुद्धि हार जाए, अच्छा देखो, हारा हुआ गिर जाता है। अखाड़े में खड़ा हुआ आदमी जब हारता तो नीचे गिर जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर जब जब हार जाए तो इसे हरि के चरणों में गिरा देना चाहिए। हार गया, अकल काम नहीं कर रही, अब बुद्धि समर्पित और भगवान के चरणों में। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई,
ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा भी अब कोई बस नहीं है, क्योंकि हमारे तो चार ही सिर हैं, जो अत्याचार कर रहा है उसके दस हैं। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मिटाने की युक्तियां जानता है। अच्छा, बनाने वाले के चार सिर और मिटाने वाले के दस, क्या करोगे? तब उपाय, जा करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई, जा करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। क्या करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर साही, क्या करे धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरि पद सुमिर जानत जन की पीर प्रभु भंजई दारुण विपति। क्या करते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर साही, क्या करते दासी ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का आश्रय लो, भगवान को पुकारो। और यह एक साधनात्मक सूत्र भी मिल गया, जब हमारे मन की अच्छाइयों पर बुराइयां विजय पाने लगें तब भगवान को ही पुकारना चाहिए। प्रभु, मैं समझता था कि सद्गुणों के बल पर सब कुछ हो जाएगा, पर सद्गुण भी आपकी कृपा से ही कार्य करते हैं, सद्गुणों को भी आपकी शक्ति चाहिए। अजब, आप जरा सोचना, हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम हैं, कोई संदेह नहीं। सकल गुण निदानम है, कोई संदेह नहीं। पर सुग्रीव जी के साथ शुरू से रहे, पर जब बाली ने सुग्रीव को मारपीट करके भगाया निकाला, अच्छा थोड़ा बहुत नहीं मारा, रिपु सम मोह मारे सी अति भारी, मेरे बड़े भाई ने शत्रु की तरह मुझे बहुत मार, मेरा सब छुड़ा लिया। हा? और सूर्य भगवान ने हनुमान जी से यही कहा कि क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव आपने ज्ञान दिया है, दक्षिणा बता। कहा कि दक्षिणा यही है कि मेरे अंश से वानरों में सुग्रीव जी का जन्म हो रहा, तुम उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना। और हनुमान जी इसी उद्देश्य से आए हैं और इतने दिन से हैं। आप सोचिए, जब बाली से सुग्रीव पिटते रहे, सुग्रीव भगाए गए, तो हनुमान जी कहीं बाहर गए थे? आप सोचो, हनुमान जी वहीं थे कि नहीं? पर सुग्रीव को भगाए तो हनुमान जी चलो साथ साथ, एकांत में चलो, एकांत में। अब इसका अर्थ आप यह मत लगा लेना कि हनुमान जी से कुछ नहीं बनता, बेकार हम लोग हनुमान जी की पूजा बंद कर दें और पाठ।
यह नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी साथ बने रहे और सुग्रीव की दुर्दशा होती रही, सुग्रीव दर दर भागते रहे और हनुमान जी साथ हैं, सुग्रीव पिटते रहे हनुमान जी साथ हैं, सुग्रीव जी परेशान रहे और हनुमान जी साथ हैं, क्यों? क्या सकल गुण निधानम कुछ नहीं कर सके? तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, यह प्रसंग केवल एक शिक्षा देने के लिए है और हम लोग भी इस शिक्षा को स्वीकार कर लें। क्या? तुलसी राम सुदीठते सबे होत बलवान। हनुमान जी को जब तक राम जी नहीं मिले तब तक हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, क्यों? श्री सीता जी का हरण करके रावण ले जाता रहा तो भी तो हनुमान जी थे वहां वानरों के संग, और सीता माता ने राम राम कहा, राम पुकारी हमें देख दीनिस पट डारी, चलो सुग्रीव नहीं गए तो हनुमान जी ही जाते। पर तुलसीदास जी कहते हैं यह कथा केवल इतना ही संदेश देती है कि तुलसी राम सुदीठते सबे होत बलवान, बाली बैर सुग्रीव सो कहा कियो हनुमान। और इससे प्रेरणा क्या लें कि सकल गुण निधानम भी तब तक कुछ नहीं कर सके जब तक राम जी का पदार्पण नहीं हुआ। तो ये कथा केवल इतनी ही शिक्षा देती है कि हमारे सद्गुण भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि भगवान का पदार्पण हृदय में नहीं होगा, भक्ति पूर्वक भगवान नहीं हो सकेगा। इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है। केवल गुणों से काम चल जाता तो प्रार्थना की जरूरत क्या थी? लेकिन फिर मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सद्गुणों की कोई जरूरत ही नहीं। कुछ लोगों ने इसका ही अर्थ लगा दिया कि फिर सद्गुणों की क्या जरूरत, भगवान सब करेंगे, भगवान सब करेंगे। नहीं, भगवान ने उन्हीं हनुमान जी से कराया सब। तो सद्गुण तो बड़े जरूरी हैं, तो सद्गुणों को तो अपने जीवन में लाना ही है, लेकिन सद्गुणों का अभिमान से मत जोड़ना। सद्गुण तब काम करेंगे जब सद्गुणों को आप भगवान से जोड़ेंगे। तो केवल प्रार्थना नहीं, सद्गुण भी साथ हो। पृथ्वी माता अकेली नहीं गई, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा। और पृथ्वी माता सुमति, तो सुमति संपन्न कौन जो ऐसी विपत्ति के काल में सब सद्गुणों को इकट्ठा करके बुद्धिजीवी ब्रह्मा जी के पास जाए कि इतने सद्गुण होते हुए भी यह हो रहा है, इतने मुनि हैं, इतने महात्मा हैं, इतने ऋषि हैं, तो कहीं ऐसे न कहने लगा कि काय के ऋषि मुनि, वो तो सब झूठे थे, रावण सफल होता रहा तो कोई ऋषि मुनि कुछ नहीं कर सका। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सके, पर सच्चाई जीवन की यह है कि सद्गुणों की महिमा कम नहीं है, पर ये बिना भगवान के कुछ नहीं कर सकते। जैसे पंखा हवा देता है, बल्ब प्रकाश देता है, तो पंखा बेकार है क्या? अगर बेकार होता तो हवा कैसे देता है ना? लेकिन यह सही है कि पंखा हवा तो दे सकता है पर बिना बिजली के नहीं। अच्छा, बिजली आने पर हवा पंखा ही देगा? अगर बिजली हवा दे पाती तो बिजली तो सब जगह थी, क्यों नहीं दे पा रही? तो हवा तो पंखा ही देगा लेकिन बिजली से जुड़ने पर। बट ठीक इसी तरह कल्याण तो हमारे जीवन का हमारे सद्गुण ही करेंगे, पर भगवान से जुड़ने पर यह जीवन का सत्य है। हमारी करुणा दया अहिंसा भगवान से जुड़ जाए। और वही ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि जब सद्गुण भी कुछ न कर पा रहे हो तो भगवान से जुड़ना चाहिए, यही जीवन का सत्य है। तो क्या करें? ब्रह्मा जी बोले भगवान को पुकारो, प्रार्थना करो। अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार, अवतार प्रबल हुआ है।
बल प्रबल हुआ प्रबल हुआ है दुष्टों का दल शीघ्र करो संहार दयानिधि अब तो लो अब तो लो अवतार अब तो लो अवतार दयानिधि अब तो लो अवतार लो अवतार 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 लो अब तार लो अवतार लो अब तार लो तार लो अवतार दयानिधि अब तो लो अवतार अवतार दयानिधि अब तो लो अवतार पुकार देखो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे भगवान को पुकारे पूरे विश्वास के साथ पुकारे देखो किसी चीज का नहीं दिखाई देना यह सिद्ध नहीं करता कि होता नहीं है हवा नहीं दिखती पर होती है एक सज्जन बोले भगवान तो सब जगह है कण कण में व्यापक हैं, व्याप्त हैं, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत दूसरे ने कहा कि बात तो सही है जब भगवान सब जगह हैं, तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत तो दूसरा आदमी बोला कि हवा भी सब जगह है फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत हवा भी सब जगह सब जगह रहने वाली हवा पंखे के माध्यम से मिलने लगती है हालांकि पंखा हवा नहीं है अच्छा और एक और बात यह नहीं कि पंखे से मिलने वाली हवा वहीं हो सब जगह ना हो इसी तरह परमात्मा सब जगह है इसलिए आपका जहां मन हो वहां पुकारो वहीं पंखा लगा लो हवा सब जगह है आप जहां पंखा लगाते हैं वहीं हवा लगने लगती है इसी तरह परमात्मा सब जगह है आप जहां पुकारने लगते हो वहीं उसका अनुभव होने लगता है जहां पुकारने लगे वहीं उसका अनुभव होने लगता है अच्छा देखो मुंबई वालों को दिल्ली पाना हो तो यहां से जाना पड़ेगा वहां और दिल्ली वालों को मुंबई पाना हो तो वहां से यहां आना पड़ेगा क्योंकि मुंबई में दिल्ली नहीं है दिल्ली में मुंबई नहीं है और अगर धरती पाना हो तो सब जगह फिर वहां जाने की क्या जरूरत है जो यहां है ही और उनके पास भी धरती है धरती तो सब जगह है ये बात अलग है कि सब जगह रहने वाली को भी धरती को भी कोई सब जगह वाली न माने एक बार दो आदमी में विवाद हो गया एक बोला धरती गोल है दूसरा बोला चपटी है एक बोला यार लिखा है सब जगह पढ़ाते हैं अध्यापक धरती गोल है बोला लिखा होगा हमें तो साफ दिख रही चपटी है अब दोनों में विवाद हो गया तो तीसरे आदमी से पूछा कि धरती गोल है कि चपटी तुम बताओ बोला हम यहां के रहने वाले नहीं यहीं वालों से पूछो मतलब ये वहां से आया है जहां धरती है ही नहीं इसलिए भाई जैसे धरती सब जगह है आकाश सब जगह है वायु सब जगह है तो बिना दिखने वाली वायु पर हम भरोसा करते हैं इसी तरह नहीं दिखने वाले परमात्मा पर भी भरोसा करना चाहिए वह सब जगह है निश्चित सब जगह है
अच्छा हवा सब जगह है, इसका पता कैसे लगेगा? पंखा लगा के देखो, बिजली से तार जोड़ो, लगने लगेगी हवा। तो परमात्मा सब जगह, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? कहीं बैठकर पुकार कर देखो, पता लगने लगेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और ये शंकर भगवान का अनुभव है। ब्रह्मा जी बोले पुकारो, प्रभु को पुकारो। सर्वसम्मत से यही निर्णय हुआ, भगवान की शरण में चलें। हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार ने ज्योति छुई है, पृथ्वी पर अवतार लीजिए, कर निज वचन प्रमाण, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, आज भूमि जन भूमि दुखारी, आज भूमि जन भूमि दुखारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी, आज भूमि जन भूमि दुखारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी, वीणा को झंकार दीजिए, वीणा को झंकार दीजिए, वाणी को वरदान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, श्री भगवान, श्री भगवान, प्रार्थना। इसके लिए सर्वसम्मति से स्वीकृति है, सबने स्वीकार किया प्रार्थना को, भगवान की प्रार्थना। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, हमारी सुमति पर अत्याचार हो रहा है, हे भगवान आप उबारे। यह भाव बड़ा अच्छा है, प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि प्रार्थना तो शुरू हो नहीं पाती, झगड़े पहले शुरू हो जाते। योजनाएं अपने अच्छी अच्छी बनती हैं, पर अच्छी योजनाएं लागू होने के पहले झगड़े पहले शुरू हो जाते हैं। अरे प्रार्थना करनी थी, ठीक है,
पर झगड़ा प्रार्थना को लेकर नहीं हुआ। प्रार्थना तो सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा इस बात का है कि प्रार्थना कहां करें। एक गांव में दो दल केवल इसलिए बन गए कि रामलीला कहां हो। वो तो कह देंगे हो तो हमारे मोहल्ले में हो, नहीं तो दूसरे मोहल्ले में हम देखने ही नहीं जाएंगे। अब इनके लिए रामलीला नहीं, मोहल्ला महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आजकल तो लोग रावण तक का प्रचार करते हैं दशहरे के दिन, सबसे बड़ा रावण हमारे यहां का है। रावण भी बड़ा होना चाहिए तब नाम बड़ा होगा। अरे प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। आप जहां हैं वहीं प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान सब जगह हैं। इसलिए किसी विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री स्वामी विवेकानंद जी एक उदाहरण देते थे कि निश्चित माप से अगर एक वृत्त खींचा जाए और वृत्त की परिधि पर कई बिंदु अंकित कर दिए जाएं, तो केंद्र बिंदु से दूरी तो सबकी बराबर है। अब परिधि पर अंकित बिंदु ये झगड़ा करें कि तुम हमारे पास आओ तो केंद्र ज्यादा नजदीक पड़ेगा, तो चक्कर ही लगाता रहेगा। इसलिए अच्छा तो यह है कि वो जहां है वहीं से केंद्र बिंदु की ओर चले, दूरी सबकी बराबर है। इसलिए भाई परमात्मा जैसे केंद्र सभी परिधि पर अंकित बिंदुओं से बराबर ही दूरी पर है, इसी तरह परमात्मा का भी संबंध सबसे समान है, चलने की बात है। अच्छा, एक और अद्भुत बात, जब कोई परमात्मा की ओर चलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा न चले। भगवान ने तो कहा कि जे तो चले विनीत तू। हमारे एक संत हुए श्री विनीत जी महाराज, उनका ये दोहा है, जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर। तू संसार छोड़कर जितना मेरी ओर चलता है, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम जितना मेरी ओर चलते हो मैं भी तुम्हारी ओर उतने ही कदम चलता हूं। तो भक्त ने कहा कि तब तो हमें बड़ी निराशा होगी, मैं दो चार दिन में एक आध कदम चलता हूं, कभी चलता हूं कभी नहीं भी चलता हूं, और हे भगवान इसी हिसाब से अगर आप मेरी ओर चलेंगे तब तो मेरा भला कभी हो ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा उदास मत हो, जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तो एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। कदम तो उतने ही चलूंगा, लेकिन मैं जब कदम बढ़ाऊंगा चरण बढ़ाऊंगा तो राजा बलि से पूछो किस तरह कदम बढ़ाता हूं। हाँ, इसलिए कहा कि पुकारो, अब सब झंझट छोड़कर पुकारो। ये स्थान तय करने में ही समय नष्ट कर दोगे, झगड़ा होने लगा। पूर्वे कुंठ जान कहे को, पूर्वे कुंठ को कह पय निधि बस प्रभु सो आ कह पयन बस प्रभु सो पूर्व पुंथ जान बह पुंथ जान बह पुंथ पूर्व कुंड जान कह को कह पय बस प्रभु सो पूर्व पुंथ जान प
पूरा वैकुंठ जान। कोई कहता भगवान को पुकारना है तो वैकुंठ चलो। कुछ लोग बोले नहीं, आजकल वो क्षीर सागर में रहते हैं। अब किसी ने पूछा कि इनमें गलत कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है। मुझे तो लगता है इनको गलत सही के ढंग से सोचना ही नहीं चाहिए, दोनों सही बोल रहे हैं और दोनों सही नहीं लग रहे हैं। अच्छा, जो कह रहा है कि वैकुंठ में है भगवान, वो ठीक कह रहा है, उसको और जगह मिले नहीं, उसे वैकुंठ में मिले, तो कहेगा वहीं मिलेंगे। और जिसको क्षीर सागर में मिले उसे वैकुंठ में क्यों मिलेंगे, लगेंगे क्यों? तो सही तो बोल रहे हैं, पर अपने ससीम सत्य को बोल रहे हैं। इनका सत्य जहां इन्हें अनुभव वहां तक ठीक है, ठीक भी बोल रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो सार्वभौम सत्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति में सार्वभौम सत्य यह है कि जिन्हें वैकुंठ में मिला वे कहते वैकुंठ में ही है और जगह नहीं, जिन्हें क्षीर सागर में मिला वे कहते क्षीर सागर में ही है और जगह नहीं, और जिसे परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव हुआ वो कहते सब जगह है, इसलिए वैकुंठ में भी है, इसलिए क्षीर सागर में भी है। और जिसको परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोध होगा वह किसी के विरोध में नहीं होगा। बोध और विरोध एक साथ रह नहीं सकते। एक गांव में आया हाथी, घंटी बजी, टन टन की आवाज हुई। संयोग की बात कि उस गांव में सभी अंधे रहते थे, अंधों का नगर था, पर अंधे देख नहीं सकते थे, सुन तो सकते थे। घंटियों की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आए, चिल्ला कर कहा क्या है क्या है? महावत बोला हाथी है। अंधे बोले हम देखना चाहते हैं। महावत ने कहा तुम्हारी आंख नहीं, देखोगे कैसे? कहा हाथ तो है, हाथों से देखेंगे। ठीक है, महावत ने हाथी बिठा दिया, अंधे टूट पड़े। किसी ने पांव पकड़ा, कुछ अंधों ने, कुछ ने पूंछ, कुछ ने कान, कुछ ने पीठ, किसी ने सूंड। देख लिया? हां देख लिया। हाथी लेकर महावत चला गया, अंधों में झगड़ा शुरू हो गया। और ये कहानी कहती क्या है कि झगड़ा जब होता है अंधों में ही होता है। अच्छा, झगड़े का कारण दृष्टिहीनता है। नियरे होए सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ये मोतिया बिंद दूर कैसे हो? दवा लगाओ। कौन सी दवा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तो झगड़ा होता ही अंधों में, और अंधत्व के कारण ही हुआ। अब कठिनाई यह हुई कि महावत तो हाथी लेकर गया, पर जितने अंधों ने हाथी का पांव पकड़ा था उन्होंने हाथी के बारे में धारणा बनाई कि हाथी गोल खंभे की तरह होता है। पूंछ पकड़ने वाले बोले गलत, पतली लाठी की तरह होता है, उसके आगे बाल होते हैं। पीठ पकड़ने वाले बोले नहीं, गोल चबूतरे की तरह होता है। सूंड पकड़ने वाले बोले खुरदुरे पेड़ की तरह, नीचे पतला ऊपर मोटा। कान पकड़ने वाले बोले अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता, छाजड़े की तरह होता। अच्छा, अब आप बताओ कौन आदमी इनमें सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा, लेकिन पीछे तो कौन गलत बोल रहा है? अच्छा, जिसके हाथ में जितना आया उसने उसी तरह की धारणा बना ली। आज जितनी भी समस्या है धारणा के कारण है, अपनी अपनी धारणा में जी रहे हैं। और इसीलिए एक समस्या हो गई। अब जितने पांव वाले थे जिन्होंने हाथी का पांव पकड़ा था वो पूंछ वालों से नहीं बोलते थे, पूंछ वालों ने पांव वालों से बोलना बंद कर दिया,
सूंड वालों का अलग संप्रदाय बन गया, कान वालों का अलग, पीठ वालों का अलग, इतने दल बन गए। अब एक दल हो तो दल, और दो तीन दलों तो दल दल, इस दल दल से निकलना मुश्किल। और सब कह रहे थे, दूसरा कहता कि नहीं भाई ऐसा कैसे माने, हमने खुद अपने हाथ से देखा है। अब जिसके हाथ जितना ही लग गया, अच्छा जिसके हाथ जितना लगा उसको ही उसने पूर्ण समझ लिया, यही विडंबना है। अच्छा लगा हाथ हाथी ही था, वो बेचारे निर्दोष भी हैं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब क्या करें, धारणाओं में बंधे। अब अलग अलग दल बन गए, कोई किसी से बोलता नहीं था, एक समूह अलग, एक समूह अलग। तो कुछ अंधे मौजूद नहीं थे उस समय जब हाथी आया था, वो बाद में आए, उन्होंने देखा कि हमारे गांव में क्या हो गया, इतने प्रेम से रहते थे हम लोग, किसी ने कहा कि हाथी आया था उससे ये विवाद हुआ, तो वो अंधे बोले कि इससे तो हम तभी मजे में थे जब हाथी हमारे गांव में नहीं आया था, ये हाथी ने तो और उपद्रव कर दिया। समाधान क्या? कुछ लोग बोले कि महावत कह गया था कि चार दिन बाद लौट कर आएंगे, प्रतीक्षा करो, लौट कर आया। फिर घंटियां बजी, हाथी के आगमन की सूचना मिली, अंधों को दौड़े, महावत ने कहा क्या बात है, हाथी देखना चाहते हो तो तुमने तो उसी दिन देख लिया था। अंधे बोले उसी देखने ने तो उपद्रव पैदा कर दिया, तो क्या बात है। एक ने कहा कि हाथी गोल खंभे की तरह होता है, महावत बोला हां वैसा भी है। पूंछ पकड़ने वाले बोले वो पतली लाठी की तरह नहीं होता जिसके आगे बाल लगे हों, वैसा भी है। पीठ पकड़ने वालों का गोल चबूतरे की तरह का वैसा भी है। सूंड पकड़ने वालों का खुरदुरे पेड़ की तरह का वैसा भी है। कान पकड़ने वालों ने कहा अनाज साफ करने वाले छाजड़ा सूप की तरह, बोले वैसा भी है। पीठ पकड़ने वाले बोले गोल चबूतरे की तरह, महावत बोला वैसा भी है। तो अंधे बोले क्या 10-12 हाथी लिए हो, महावत बोला हाथी तो एक ही है, तो एक ही अनेक जैसा क्यों लग रहा है। महावत ने कहा इसका उत्तर हम तुम्हें नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता, इसे तो देखा ही जा सकता है, तो आंखों का इलाज कराओ तो तुम्हें अनेक में एक दिखने लगेगा। आंखों का इलाज कराओ तो अनेक में एक दिखेगा, और आंखें अगर खराब रहीं तो एक में ही अनेक का भ्रम होगा, और अनेक का भ्रम होगा तो झगड़ा शुरू होगा, झंझट शुरू होगा। और वो यही हुआ, दो दल बन गए, लड़ने लगे, एक कहे वैकुंठ में चलो, और जो अंधे कह रहे थे कि हाथी नहीं आया तभी हम मजे में थे। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ने कहा ईश्वर साकार, एक ने कहा निराकार, दोनों झगड़ गए। तीसरा बोला कि जिसको लेकर इतना झगड़ा होता हो तो न साकार न निराकार, बेकार इसको। तो अपनी अपनी सोच है, झगड़ गए। अच्छा अब एक बात और है, झगड़ा वहां शुरू हो गया जहां सदगुरु थे। सदगुरु कौन? शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पार्वती माता ने कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, आप थे तो भी झगड़ा होता रहा। सुना तो यह कि सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, पर आप वहां थे, झगड़ा शुरू हो गया, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? उनको समझाते, कुछ बोलते। शंकर जी ने कहा कि ये झगड़ने वाले किसी की सुनते कहां है। जब कोई अभिमान से जुड़ा हो तो किसी दूसरे की सुनता नहीं है, बल्कि ऐसे में उन्हें रोको तो और जोश आता है। दो आदमी झगड़ रहे हो, एक को रोक लो फिर देखो पहले से ज्यादा जोश आएगा उसे, छोड़ दो छोड़ दो। एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उसने खुद दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, बोले बस छोड़ दो मुझे छोड़ दो, वो पकड़े ही नहीं था। और कहता नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शंकर जी कह रहे थे कि भाई मैं प्रतीक्षा कर रहा था, क्या? बोले थोड़ा अभिमान का जोश ठंडा हो फिर मैं कुछ कहूं। ते समाज गिरिया में रहे हूं, ते समाज गिरिया।
गिरिया में गिरे समाज गिरिजा ते समाज गिरिजा ते समाज अवसर पाई बचन बचन ए बचन एक कहूं ते समाज गिरिजा रहूं ते समाज रहूं ते समाज गिरिजा मैं समाज गिरिजा समाज गिरिजा समाज गिरिजा समाज गिरिजा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती हम वहां थे, पार्वती जी बोली तो फिर आपने क्यों नहीं कहा। शंकर जी बोले तुम यहां थे, आप तो यहां थे, तो हम वहां बोलते कैसे, वहां क्यों नहीं बोले। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी आपका आध्यात्मिक रूप श्रद्धा है, और हम वहीं बोलते हैं जहां श्रद्धा होती है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब वो तो सुन ही नहीं रहे थे किसी की, तो हमने कहा पहले इन्हें थक जाने दो, ढूंढ लेने दो, कोशिश कर लेने दो। अच्छा एक अद्भुत बात, जब थक गए तब शंकर जी से पूछा आप बताओ। शंकर जी बोले तो सुनो, अगर हमसे पूछते हो तो हरि व्यापक परमात्मा व्याप्त है। तो वैकुंठ वाले बोले ये तो हम भी मानते हैं कि परमात्मा व्याप्त है, लेकिन वैकुंठ में ज्यादा है, क्षीर सागर में कम। क्षीर सागर वाले बोले व्याप्त तो हम भी मानते हैं पर क्षीर सागर में ज्यादा, वैकुंठ में कम। शंकर भगवान बोले न वैकुंठ में ज्यादा न क्षीर सागर में कम, न क्षीर सागर में ज्यादा न वैकुंठ में कम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। तो मिले कैसे, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से मिले। कितना सुंदर संकेत है, मुझे तो लगता है कि भक्ति विज्ञान है, पर हम भौतिक विज्ञान से तो परिचित हैं, भक्ति के विज्ञान से परिचित नहीं है। ज्ञान और विज्ञान में एक ही अंतर मुझे लगता है, पता लग जाना ज्ञान है पदार्थ का, पता लग जाना ज्ञान है, और पदार्थ की प्राप्ति हो जाना विज्ञान है। तो भगवान का पता लग जाना ज्ञान है, अब भगवान की प्राप्ति हो जाना विज्ञान है। अच्छा विज्ञान वैसे भी, जैसे पता लग गया कि पानी में बिजली है, तो वैज्ञानिकों को पहले पता ही तो लगा होगा कि पानी में बिजली है, तो पता लग जाना ये ज्ञान है कि पानी में बिजली है, और पानी में से बिजली निकाल लेना प्राप्त कर लेना ये विज्ञान है, विज्ञान यही तो करता है। इसी तरह कण कण में भगवान है, मूर्ति में भगवान है, मंदिर में भगवान है, ये पता लग जाना ज्ञान है, लेकिन प्रेम के द्वारा उसे प्रकट कर लेना ये विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने पानी में से बिजली पैदा की, हमारे गजराज ने भगवान को पुकार कर पानी में से परमात्मा को प्रकट कर लिया।
ग्राह ने जब चरण पकड़ा तो गजराज ने प्रभु को पुकारा, प्रभु जल में प्रकट हो गए। पत्थर में से जाने क्या क्या वैज्ञानिक पैदा कर लेते हैं। श्री प्रहलाद जी ने पत्थर के खम्भे में से भगवान को प्रकट कर दिया। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शक्ति और परमात्मा सब में व्याप्त हैं, यही तो सीय राम में सब जग जाने। पर भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है और वैज्ञानिक उसी पदार्थ से शक्ति को निकाल लेता है। अच्छा, दोनों की जरूरत है। शांति के लिए भगवान चाहिए, सुविधा के लिए साधन चाहिए। अच्छा, साधन से सुख मिलता है और साधना से शांति मिलती है, दोनों आवश्यक हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भक्ति विज्ञान है। शंकर जी ने कहा, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट होते हैं बस। तो प्रेम कैसे हो, बोले पुकारो, पुकारते पुकारते प्रेम हो जाता है। प्रभु को नित्य पुकारते पुकारते आप देखते हैं, जाम रहते 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 मोह हो जाता है। इसीलिए हमारे संतों में एक वाक्य प्रचलित है, रमता जोगी बहता पानी। साधु चलता रहे तो निर्मल बना रहता है। तो एक महात्मा बड़े अद्भुत थे, वो घोषणा करते हुए जा रहे थे, जोर जोर से आवाज लगाते हुए जा रहे थे, कोई कब्र मिलेगी, कोई कब्र मिलेगी, कोई कब्र मिलेगी। तो एक सत्संगी सेठ जी थे, वो भी दरवाजे पर आके खड़े हो गए, बोले कोई मुर्दा मिलेगा, मुर्दा मिलेगा। तो महात्मा खड़े हो गए, बोले मुर्दा तो ये रहा। सेठ जी बोले चलो कब्र बताएं। वो अपने बड़े आलिशान मकान के पिछवाड़े एकांत में कोठरी थी, बिल्कुल निर्जन में कोठरी। सेठ जी बोले ये रही कब्र। महात्मा बोले ठीक है, तुम जाओ। उसके भीतर चले, किवाड़ बंद कर ले। सेठ जी ने कुछ नहीं पूछा, कौन हो, कहां से आए हो, क्या मुर्दे का क्या परिचय है। और साधु ने भी नहीं पूछा कुछ। अब कहा कि भाई भोजन भिजवा दिया करो, थाली रखवा दे, उनकी मर्जी हो तो ले, ना हो तो ना ले, कोई मतलब ही ना हो। जैसे महात्मा अपने आनंद में रहे थे, एक दिन सेठ के घर चोर घुसे, महात्मा जाग रहे थे। उन्होंने देख लिया कि चोरों ने सामान चुराया, वो लेकर गए। महात्मा पीछे पीछे गए, दूर से देखते रहे। उन्होंने कुएं के पास गांव से बाहर आम के वृक्ष के नीचे सामान मिट्टी में दबा दिया कि बाद में ले जाएंगे। सवेरा हुआ, अल्लाह मचा, सेठ जी की संपत्ति चोरी चली गई, चोरी चली गई। गांव भर के लोग इकट्ठे हुए, कुछ सब अपना अपना अफसोस ही कर रहे थे और क्या करते। तो महात्मा जी ने सेठ जी को बुलवाया, को बुला ला। पहली बार साल भर बाद सेठ जी गए, तुम्हारा सामान चोरी गया है, चिंता न करो मिल जाएगा, उस कुएं के पास आम वृक्ष के नीचे गड़ा हुआ है, जाओ। सेठ जी गए, खुदा सब सामान मिल गया, आए सब खुश हुए, पर सेठ जी उदास। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा खोया हुआ सामान मिल गया और तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे हो, क्यों? तो उन्होंने कहा कि सामान मिलने की खुशी उतनी नहीं है जितना दुख इस बात का है कि मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा हो गया। महात्मा मुस्कुराए लेकिन उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा ठीक कहते हो, मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं रह जाए तो जिंदा हो जाता है, मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं रह जाए तो जिंदा हो जाता है, अहम आकार ग्रहण कर ही लेता है, इसलिए ज्यादा दिन रहो ही नहीं कहीं ताकि अहम आकार ग्रहण करे, मुर्दा जिंदा हो। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। अच्छा, डूबने के लिए जिंदा होना जरूरी है और पार होने के लिए मुर्दा होना जरूरी है। बिना मुर्दा हुए कोई तर नहीं सकता और बिना जिंदा हुए कोई डूब नहीं सकता। तो जिनका अहंकार जिंदा है वही संसार की सरिता में डूबते हैं और जिनका अहंकार मर गया वो पार हो जाते हैं। सीधा सा कहीं
तो अब आप सोचो कि एक जगह रहने से रहते 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 लगाव पैदा हो जाता है, एक जगह रहते रहते लगाव पैदा हो जाता है। तो यही तो संत कह रहे हैं कि पहले दिन उतना लगाव नहीं होता, दूसरे दिन थोड़ा, फिर तीसरे दिन थोड़ा, ज्यादा दिन रह जाओ तो फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और ये इसीलिए रहने और ठहरने में क्या अंतर है? अगर आप विचार करो रहने और ठहरने में, मुझे तो लगता है कि थोड़ी देर का रहना ही ठहरना है और ज्यादा दिन का ठहरना भी रहना है। धर्मशाला में भी आदमी रहता ही है पर उसे ठहरना कहते हैं, और मकान में भी ठहरता है लेकिन उसे रहना कहते हैं, क्योंकि धर्मशाला में तीन दिन रहता है तो तीन दिन का रहना ठहरना लगता है, और 70 साल ठहर जाए तो ठहरना रहना लगने लगता है। तो आप सोचो रहते रहते लगाव हो जाता है, ये स्वाभाविक सबके जीवन का अनुभव है। तो यही बात यहां कही जा रही है कि जब रहते रहते आसक्ति पैदा हो जाती है, जब रहते रहते आसक्ति पैदा हो जाती है तो भगवान का नाम कहते कहते भक्ति क्यों नहीं पैदा हो जाएगी। एक सज्जन बोले कि हम तो किया नाम लिया लेकिन आज मजा ही नहीं आया। तो हमने कहा कि जब पहली बार किसी घर में रहे थे तब मजा आ रहा था। बोले नहीं, वो बहुत दिन बाद आया। हमने कहा जब रहते रहते आसक्ति होती है तो कहते कहते भक्ति आएगी, विश्वास करो आएगी जरूर। इसलिए भगवान को पुकारो, पूरे विश्वास के साथ पुकारो। जब शंकर जी ने यह कहा तो शंकर जी की बात सबने स्वीकार कर ली। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। शंकर जी सदगुरु हैं, और सदगुरु की पहचान क्या? जिनका उपदेश सबको मान्य हो, जिनका सत्संग सर्वग्राह्य हो, सर्व स्वीकृत हो। और संत कौन? जिसके साथ सब चल सके वो संत, या जो सबको साथ लेकर चल सके वो संत। मोर वचन सबके मन माना, ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु साधु। यह बड़ी कल्याणकारी वाणी है, इसका पालन सब करें। तो प्रार्थना वहीं की गई, कहीं नहीं गए, जहां थे वहीं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुख, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कांता। गोद्विज हितकारी पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। सहज कृपाला दीन दया, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत
पोतीतम चरित पुनीतम माया दहि मुकुंदा अभ्यत पोतीतम चरित अभ्यत पोतीतम चरित पुनीतम माया दहि मुकुंदा जय ये अविनाशी सब घटवासे जय जय अविनाशी सब घट प्रार्थना की गई जही लाग विरागी जनानुरागी। देखो विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्या वही गुणगन गा वही वे भगवान हम पर कृपा करें कृपा करें कृपा करें। हृदय की पुकार भगवान सुनते हैं और वही हुआ गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह आकाशवाणी हुई डरो मत निर्भय हो जाओ जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्ही लाग धरी हो नरवेशा। अच्छा देखो अद्भुत बात भगवान मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं क्यों बाराह रूप में आए नरसिंह रूप में आए कच्छप रूप में आए मीन रूप में आए बामन रूप में आए परशुराम रूप में आए। ये सभी रूपों की सार्थकता है। अच्छा जैसा रोग वैसी औषधि पर राम जी मानव रूप में क्यों आए क्योंकि समस्या दानवता की है समस्या उत्पन्न दानव ने की है तो दानवता को मिटाने के लिए एकमात्र उपाय मानवता ही है इसलिए दानव के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए भगवान मानव बनकर आए मानव। महाराज रावण बड़ा अत्याचार कर रहा है बहुत बड़ा परिवार है उसका और तीन भाई हैं सो तो ठीक है एक भाई तो भक्त है एक सोता रहता है लेकिन रावण अकेला सबको और परिवार तो इतना बड़ा एक लख पूत सवा लख नाथ। भगवान आप भगवान बोले चिंता मत करो अगर वो परिवार वाला तो हम भी अकेले नहीं आएंगे अनशन सहित मनोज अवतारा लयहू दिनकर वंश उधारा सूर्य वंश। अच्छा तो महाराज जैसे कोई आने वाला हो तो लोग पूछते हैं कि आप आ रहे बड़ी खुशी कहां ठहरोगे कुछ स्थान निश्चित किया नहीं हम लोग इंतजाम करें ऐसा पूछते हैं तो भगवान से भी पूछा कि कहां भगवान बोले पहले से इंतजाम है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कहां मैं पूरब वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा तिनके गृह अवतरी हूँ जाई तिनके गृह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक चारि उभाई रघुकुल तिलक चारि ने कहा
अयोध्या पुरी में आऊंगा। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहां गागरिया, संत भरे गागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। कश्यप अदिति के नाम का उल्लेख किया गया, परमानस में महाराज मनु और शत्रुपा जी का उल्लेख है। वे दशरथ जी कौशल्या जी के रूप में अयोध्या में, और भगवान वहां आए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारे। और राम जी आए तो आनंद ही आनंद हो गया, और उनके कारण समाज में राम राज्य की स्थापना हुई। और राम राज्य की स्थापना से हर्षित भये गए सब शोका, सूत्र रूप में यह, लेकिन भगवान ने कितना सुंदर आश्वासन दिया। कई बार हम लोग उसांस भरते हैं, कब वो तो अब हो चुका। कई बार लोग क्या कहते हैं, अब उससे क्या लाभ, चलो स्मृतियां अच्छी हैं, लेकिन अब पर भगवान ने कहा कि उदास मत होना, दास कभी उदास नहीं होता। संभवामी युगे युगे, त्रेता में श्री राम जी आए तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आऊंगा। और आप लोग भरोसा रखें, भगवान आएंगे, कल आएंगे भगवान श्री कृष्ण कल। तो राम जी आए या कृष्ण जी आए, पर एक बात तय है, क्या परिस्थिति एक जैसी ही होती है। और वह परिस्थिति कौन सी, जब जब हो ये धरा, जब जब हो ये धरा के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब धरी हरि विविध शरीरा हरि कृपा आ आ रही कृपा पीरा, हरही कृपा निधि सजन, हरही कृपा निधि सजन, असुर मार था पैसुर राखई निज सुख से, जग विस्तार विसर्ज राम जन्म करे हो ये आने, जब जब हो ये जब जब हो ये जब जब हो, जब जब हो ये धर्म के, जब जब हो ये धर्म, जब जब हो जब जब हो, जब जब हो ये धर्म गए, जब जब हो ये धर्म गए, जब जब हो ये धर्म गए, जब जब हो के आने तब तब धरी हरि विविध
सरी हर कृपा निज सजन जब जब हो ये धरम के आने जब जब हो जब 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 हो ये धर्म के हो ये धर्म के हो ये जब जब हो ये धर्म हो ये धर्म जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपे भगत लहे विश्राम आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की सिंहासन सोहे युगल सरकार परस पर हंसी हेरत हर बार मधुर कछु बोल लेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल कहत रघुराय धन्य शिवकाय पवन सुत गिरिवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की भरत जूठाणे भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखे मुख चंद लेत आनंद धन शोभा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की कोई जन गावे प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे शरण राजेश द्रवे अवधेश बोलिए जय भयहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी।
दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की।